मैं पहले तो याचिका कमेटी के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों का हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आने पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा मैंने कहा, याचिका समिति एक महत्वपूर्ण विधानसभा की समितियों में से एक है, जो कुछ विधानसभाओं में है, कुछ में नहीं है। हमारे पास भी थी, पर समय के साथ बीच से ये पिटीशन कमेटी को जो है अबॉलिश कर दिया गया है। अगेन आई एम थिंकिंग टू रिवाइव द पिटीशन कमेटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं जो कई स्तरों के ऊपर पेंडिंग होते हैं, जिनका जो है लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, निवारण नहीं हो पाता है, तो जो है उसको इस कमेटी के माध्यम से उन विषयों को जो है गंभीरता से देखा जा सकता है और उसको रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट को। हाउस में अगर रिपोर्ट अडॉप्ट होती है तो सरकार को माननी पड़ती है। तो एक और बाकी कुछ पूछना है तो हिमाचल विधानसभा पाइनर है, क्योंकि उस समय के जो हमारे सामान्य अध्यक्ष थे ब्रिज बुटेल साहब, बीबीएल बुटेल साहब, उनके समय में हिमाचल विधानसभा जो है इसको ई विधानसभा का प्रारूप दिया गया। और आज हम बड़े गौरव से कह भी सकते हैं, महसूस भी करते हैं, जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चर्चा होती है लोकसभा में, अन्य विधानसभाओं में, तो हिमाचल विधानसभा को जो है ई विधानसभा होने का गौरव प्राप्त होता है सबसे पहले। और अभी बहुत सारी विधानसभाएं नहीं हैं, जैसे गुजरात की अभी हो रही है, असम में भी अभी हो चुकी है और बहुत सारी। अब हम इससे आगे जा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में व्यवस्था ये आ रही है कि सारी विधानसभाओं को, इवन द पार्लियामेंट को जो है आपस में इस तरह से जोड़ा जाए ताकि सभी की कार्रवाई एक दूसरी विधानसभा जो है उसको देख सके, उसको जान सके कि उस विधानसभा के अंदर क्या हुआ। इस विधानसभा तो नोवो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, नोवा, उसके माध्यम से ये व्यवस्था हो रही है। और अभी हमने उसकी मीटिंग ली है अभी ई कमेटी की, और उसमें हमने ये तय किया है कि जल्दी से ये विधानसभा जो है अब उस नोवा पर भी आएगी। अब 70 हमने करवाना है और प्रपोजल तो गवर्नमेंट देती है, तो जो आज तक जो प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, एक 11 से 17 का है, एक 18 से 25 का है, और एक कैलेंडर ईयर में ही 35 सीटिंग्स होनी है। तो अब सरकार के जो प्रस्ताव दो हैं, हमने दोनों पर सहमति प्रकट कर दी है कि विधानसभा जो है 70 के लिए तैयार है। विंटर 70 जब भी सरकार चाहे उसको करवाना चाहे तो विधानसभा इज़ रेडी फॉर दैट। अब इट इज़ द गवर्नमेंट टू यू सी फर्दर टेक एक्शन इन दिस बिहाफ टू, एंड जब वो फाइल आएगी हमारे पास तो राज्यपाल महोदय को फाइल जाएगी, तो उसके बाद उसकी जो कानून व्यवस्था वो होगी। तो मुझे लगता है कि इस दिसंबर के लास्ट तक ये हो जाएगी।